बहादुर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरनही मेहराओं गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष सप्त दिवसीय शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मुरारी पाल प्राचार्य द्रौपति देवी विंध्याचल स्नातकोत्तर महाविद्यालय एहरोली सिरौरवा गोरखपुर तथा अध्यक्ष स्ववित्त पोषित महाविद्यालय प्राचार्य परिषद ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना चरित्र निर्माण और सामूहिकता की भावना के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। शिविर हमारे नैतिक मूल्यों का समर्थन ही नहीं करती बल्कि उससे उद्भुत भी करती है। आपने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समय के प्रबंधन और अनुशासन से कोई भी जीवन में सफल हो सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के प्राचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख साधन है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने और सामाजिक समरसता कायम करने में NSS की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिष्टाचार और विनम्रता ऐसा साधन है जिससे किसी के मन पर भी राज किया जा सकता है। NSS मनोरंजन और बौद्धिक विकास का भी महत्वपूर्ण साधन है। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पा पांडे, श्री नारायण त्रिपाठी, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह लीडर, डॉक्टर संजय कुमार चौरसिया, शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर अरुणेश अरुण कुमार नायक, डॉक्टर पुष्पा मिश्रा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, यूसुफ आज़ाद, डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता राजन, डॉक्टर अर्चना सिंह, राजेश श्रीवास्तव, पूर्णिमा वर्मा, रवि पासवान, कंचन गुप्ता, नसीमा बानो, दुर्गा शंकर शुक्ल, राली सिंह, अरुण कुमार सिंह, सुमंत मौर्या और मनोज सिंह आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सोनी मौर्या, कविता राव, पूजा राव, शहनाज खातून, प्रतिमा यादव, शिप्रा सिंह, गौरव मोदनवाल, इंद्रेश आदि स्वयंसेवक सेवकों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, दहेज गीत, देशभक्ति गीत, कन्या भ्रूण हत्या जैसे समस्याओं पर अपने गीतों के माध्यम से मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार चौरसिया ने किया। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराव गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मुरारी पाल प्राचार्य द्रौपदी देवी विंध्याचल पीजी कॉलेज एहरोली सिंगरौवा गोरखपुर द्वारा स्वयं सेवक एवं स्वयं सेविका को संबोधित किया गया। संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना चरित्र निर्माण और सामूहिकता की भावना के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय चेतना और चरित्र निर्माण को हम सृजित करते हैं बल्कि उनको उद्बुद्ध भी करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भी काम करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण मंच मिलता है।